आप सबका आज के इस तारीखी छिंज मेला पर दिल की अमी खैराई से खुश आमदीद। आपका नाम क्या है? वंच। आप तो गोरे क्यों हैं इतने? पता नहीं। उनके मुकद्दर के पन्ने कभी गोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से जो लिखते अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी गोरे नहीं होते। जिंदगी चाहे कितनी दुश्वार हो, मगर उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। उत्तम गोस्वामी जी, ये मेरी दस्तार जो है ये संभालेंगे, और मेरी तरफ से यार जो है शिरकत। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। सुबह के पूरे 11 बजे का टाइम है। जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कट तहसील बनी का छिंज मेला आप सबका स्वागत कर, मेरे साथ एंड तक बने रहे। बिना देरी के करते हैं वीडियो शुरू। आओ चलते हैं बनी छिंज मेले में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नाज़रीन, आज मेले का दूसरा दिन है, कल बड़ी माली होगी। माली की जो रकम रखी गई है कमेटी ने, वो है 1 लाख, और छोटी माली जो होगी वो है 51,000 की। नाज़रीन, आज मैं वीडियो शूट करने के लिए बनी में पहुंच चुका हूं, पूरी कवरेज देने वाला हूं छिंज मेले की। यहां पर बड़े बड़े सिंगर आए, खासकर हमारे बनी वैली में अपने लोकल जो सिंगर हैं वो ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाज़रीन, बनी में दो कमेटियां हैं, पहाड़ी कल्चर मंच और साथ में है छिंज कमेटी। ये दोनों मिलकर यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम कराती है, साथ में छिंज वगैरह भी कराते हैं। नाज़रीन, मेरे सामने जो है जिनकी पहचान पूरी जम्मू कश्मीर में, उत्तम चंद गोस्वामी जी। इनका इखलाक, इनकी सादगी हमें सबसे ज्यादा पसंद है, और बहुत बड़े लीडर भी हैं। तो अभी हम जा रहे हैं छिंज मेले की ओर, अभी ये ढोल नगाड़ा के साथ जाने वाले। नाज़रीन, आज के चीफ गेस्ट छिंज मेले के जो होंगे वो होंगे गौरी शंकर जी। हमारे साथ हैं चीफ गेस्ट जनाब गौरी शंकर जी। चंद मिनटों के बाद हम पहुंचने वाले हैं स्टेज पर। हमारे साथ हैं मेहमाने खुसूसी जनाब गौरी शंकर जी, चीफ गेस्ट। नाज़रीन, क्या डेकोरेशन है, दोनों तरफ शॉप्स हैं, बीचों बीच क्रॉस कर रहे हैं मेहमाने खुसूसी, और नगाड़े के साथ स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। गोस्वामी साहब, मेरे चाचा जी और बनी की शान। हर मेले में और बनी की कोई भी फंक्शन हो, इनके बगैर अधूरा है। श्री उत्तम जी गोस्वामी साहब, श्री गौरी शंकर जी, और इब्तिदा किया उन्होंने आज के इस दूसरे बनी की तारीखी छिंज मेले का। आप सबका दिल के अमीर गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आप लोगों को बता दें कि आज के इस तारीखी सीएम के मेंबर और सरबरा चीफ एडवाइजर, प्लीज ऊपर आए आप। इनकी देखरेख में ही, इनकी एडवाइजरी में सारा काम होता है। श्री अजीत सिंह जी, रिटायर्ड रेंज ऑफिसर, हमारे सोशल वर्कर, और बनी के दूर दराज आए हुए तमाम मेहमानों का मैं दिल की अमीर गहराइयों से
आप सबका आज के इस तारीखी छिंज मेला पर दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद और वेलकम पेश करता हूं हमारे हिमालयन ब्लॉगर श्री लियाकत अली मलिक साहब, जो खूब बनी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपका भी खुश आमदीद। और जितने भी मीडिया से जुड़े हजरात हैं, आपके कानून पर एक जिम्मेवारी इस बनी की छिंज मेला और यहाँ के कल्चरल और सकाफती तमदनी प्रोग्राम को आगे ले जाने में फर्जन जो है नाम नहीं ले सकता हूँ। तमाम जो लोग जो है मैं माजर खा हूँ आपका, और जो ही जो है मीटिंग खत्म होगी तो मैं भी आपके इस प्रोग्राम में शरीक हो जाऊंगा। मेरी एब्सेंस में तब तक जो है यहाँ के हमारे बुजुर्ग हैं उत्तम गोस्वामी जी, ये मेरी दस्तार जो है ये संभालेंगे और मेरी तरफ से यार जो है शिरकत करेंगे। तो आप सब लोगों का एक बार बहुत ही दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया, और ये जो है आगे का प्रोग्राम जो है चलता रहेगा। थैंक यू। मोस्ट वेलकम करता हूँ जितने भी हमारे लोकल सिंगर हैं, इनको टाइम मिलना चाहिए। हमारे जो सीनियर मोस्ट सीनियर जो है सुंदू साहब, मैं इनसे भी अपील करता हूँ जितने भी हमारे गायक जो हैं खासकर बनी वैली में, उनको सामने लाएं। ये आपका हक ज्यादा बनता है। आप सबके दिलों में बसे हुए हैं, आपकी इज्जत है, शान है, मेरी सिस्टर है, यानी इनसे मेरी अभी बात नहीं हुई, ये भी बड़े गायक हैं। और ये फारूक साहब है, पवन जी हैं, सब गायक मेरे सामने, सब गायक है, हमारे इमरान साहब है, सब है, खुश रहे, आबाद रहे, इसी तरह गाते रहे, मुस्कुराते रहे और मेरे भी सपोर्ट करते रहे। इस वक्त जो गाना गा रहे थे लोकल सिंगर है हमारे बनी वैली के, बहुत ही मीठी आवाज थी। हमारे लोकल सिंगर जो है अश्वानी जी यहाँ पर गाने वाले हैं। सिमू ठाकुर जी जो कि मैं आपके पॉपुलर जुनूनी सिंगर सुनिए। Yeah.
अमरनाथ स्टेज पर आने वाले हैं, बहुत ही पॉपुलर सिंगर है। नाजरी अभी निक्की ठाकुर यहाँ स्टेज पर गाना पेश करने वाली है, बहुत ही जबरदस्त सिंगर है। फारूक सिंगर आने वाले हैं, बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं, अभी स्टेज पर गाने वाले हैं वो। ना जाने किस गली से आ जाए हमारे शरम, इसलिए हमने हर गली फूलों से सजा रखी है। तालियों से इनका हार्दिक स्वागत है। नाजरी इस वक्त हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी पॉपुलर सिंगर फीमेल बनी वैली में पहुंच चुकी है, अभी यहां पर ये गाना पेश करने वाली है हिमाचल प्रदेश की सोनम चौधरी। Oh,
नजराना सर, लेकिन पहाड़ी कल्चर मंच के इसके बीच में दिल जरूर मौजूद है। जब भी आप इसको देखेंगे पहाड़ी कल्चर किए हुए प्रोग्राम जब सभा करते हैं कि ये बीच में आए, इस प्रोग्राम को कामयाब किया। चार हमारा मोमेंटो है। आज के गेस्ट बैनर ऑनरेबल डीडीसी नारायण दत्त त्रिपाठी लाखड़ी से। नाज़रीन, हमारी बनी वैली का कोट जो है बहुत ही मशहूर है, लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। नाज़रीन, किस तरह पुराने कल्चर को जो यहाँ पर ऊन के कपड़े इन्होंने पहने हैं दर्शाता है। ओल्ड कल्चर है, पूरा ओल्ड कल्चर है ये। Thank you.
नाज़रीन मेरे बहुत बड़े फैन हैं, कह रहे कि हम आपकी वीडियो शेयर करते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं। आप कहाँ रहते हैं? काम करते हैं दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में ये काम करते हैं तो वहाँ मगर आपको शहर जरूर हम कमेंट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहते हैं दिल्ली में, काम करने के लिए जाते हैं और वीडियो को देखते हैं, अपने इलाके को देखते हैं, काम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नाज़रीन हमारे भाई हैं, ये पंजाब से आए हुए बिजनेस मैन हैं, हमारे मेले में शिरकत करते हैं, चार चांद लगा देते हैं और रौनक बढ़ाते हैं। आप कहाँ से आए? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से? वाह, क्या बात है, मैं चंडीगढ़ भी गया था, बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी। मोहम्मद वसीम इनका नाम है, बहुत ही डांसर है, यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम दिया, वहाँ पर भी नाच रहे थे, तो अभी मुझे यहाँ पर मिले हैं। तो मेरे फैन भी हैं ये। और सुनाइए आप, सब ठीक है? ठीक है। नाज़रीन आज मैं बनी वैली की पूरी कवरेज देने वाला हूँ, हर साल की तरह इस साल भी छिंज मेला है। नाज़रीन आज मेले का दूसरा दिन है, हजारों की तैदाद में लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बच्चे भी इंजॉय ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े जो मेले होते हैं, बनी का छिंज मेला भी मशहूर मेला है। तो यहाँ पर मैं पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? अंच। आपका नाम क्या है? वंच। आप तो गोरे क्यों हैं इतने? पता नहीं, ये क्या राज है, आप इतने गोरे क्यों हैं, मतलब खूबसूरत क्यों हैं? आपको कोई पता है? कोई पता? आपको कोई पता इतने खूबसूरत क्यों हैं आप? पता ही नहीं है। अच्छा, आपको भी नहीं पता है, तो मेरे को भी नहीं पता है। नाज़रीन बन्नी में छिंज मेले में मैंने एक क्यूट सा बच्चा शॉपकीपर देखा। क्या नाम है आपका? अमन। कहाँ से हैं आप? पंजाब से। आपका नाम क्या है? वंश। आपका नाम? अच्छा, आपकी मम्मा जो है वो यूट्यूबर है? यूट्यूबर है, यूट्यूबर है। कितने फैन है? आप कितने साथ देते हैं अपने मम्मा का? बहुत देते हैं। आप भी उसमें देखता हूँ मैं व्लॉग में, आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं? पहले पढ़ाई करनी है, ठीक है? व्लॉग देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और सुनाइए, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी मेले में। अच्छा, मेले में जा रहे हैं, तो मेरी वीडियो देखते हैं आप, कैसी लगती है आप? अच्छी लगती है आपको? गॉड ब्लेस यू। जब वीडियो बनाएंगे ना, बाद में नाम लेना है, फिर बोला।